घटना पटना जिले के दुल्हिन बाजार थाना इलाके की है, जहां सोनियावा गांव में एक बाप ने अपने ही बेटे को गोली मार दी। मिली जानकारी के अनुसार मुताबिक ईंट बंटवारे को लेकर हुई इस मामूली सी विवाद में बाप ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है गोली लगने के कारण बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है, उसे आनन फानन में इलाज के लिए पटना PMCH भेजा गया है। बताया जा रहा है कि सोनियावा गांव के रहने वाले अजय यादव पहली पत्नी की मौत हो गई थी। 8 वर्ष पहले उसने दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी से सुधीर कुमार 19 वर्षीय और रणधीर कुमार 17 वर्षीय 2 पुत्र हैं। ईंट बंटवारा को लेकर पिता अजय यादव और पुत्र सुधीर कुमार आपस में गाली गलौज करते हुए भिड़ गए। इस दौरान छोटा पुत्र रणधीर कुमार 17 वर्षीय को अकेला देख पिता ने पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी देख बड़ा पुत्र सुधीर कुमार 19 वर्षीय पहुंचा ही था कि आक्रोशित पिता अजय यादव ने गोली चला दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और इलाज के लिए स्थानीय PHC में भर्ती कराया, जहां दोनों भाइयों का इलाज जारी है, जिसके बाद गोली लगे बड़े भाई को PMCH में रेफर कर दिया गया। दुल्हन बाजार थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि पिता ने बेटे को गोली मारी है। आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। क्या हो गया? बाहर आए तो बाहर देखे कि हमारे पिताजी हैं जो गाड़ी पे बैठे हुए हैं। तो जब हमको और हमारे भाई को देखे ना कि वो मतलब कि यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो अंदर गए और अंदर से गन लेकर आए और बैठे साल उठकर गन लेकर, और जोड़ागी का हमारे पास मतलब कि ईंटा था, तो वो ईंटा को मतलब हमारी सौतेली माँ थी जो ले जा रही थी अपने घर में, तो हमारे भाई बोला ना कि इसमें हमारा हिस्सा है। इसी कारण से वो विवाद हो गया और मतलब कि आए हमारे पिताजी हैं जो, और भाई को हमारे फायरिंग कर दिए। तो उनको छुड़ाने के मतलब कि उनको बचाने के चक्कर में, हम अपने भाई को बचाने के चक्कर में जब छुड़ाने गए ना, तो वो बंदूक के हुत्था से हम पे भी वार किया हमारा सर, और भाई भी घायल हो गया है। और भाई भी घायल हो गया। तो अभी थाना पर आप आए हुए हैं? हाँ, थाना पर मतलब कि अभी FIR दर्ज करने आए। अच्छा, भाई का क्या नाम है? घायल सुधीर कुमार। आपका? रणधीर कुमार। क्या नाम है आपका? आपके कहाँ घर है? सोनियामा। तो उसके पिताजी जो है स्वयं गोली चलाए, जिसमें उसके हाथ पर भी लगा है और सीना के पास से थोड़ा सा छिपले लगते गया है। और इसका आरोप है कि इसकी माँ बहुत पहले मर चुकी थी, इसका सौतेली माँ है, उसी को लेकर के आपस में झगड़ा और अनबन रहा करता था। संपत्ति का भी गिरती बात मिली, आपस में बंटवारा का मामला है। ये दोनों भाई घायल है? हाँ, दोनों भाई हैं। तो अगर क्या आखिर जानलेवा हमला का मतलब, पिता की मंशा क्या लगी, क्या वो दोनों को मार देना चाहते? अब सौतेली माँ है, उसको लेकर के इंटेंशनली उसकी कुछ भी हो सकती है।